hey viewers so my today's topic is models model auxiliary verb so what are models models are स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स एक तरह की स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स तो हम सब जानते हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं लेकिन ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं स्पेशल क्यों इसलिए क्योंकि ये एटीट्यूड एक्सप्रेस करती हैं किस तरह का एटीट्यूड हो सकता है ये कोई परमिशन हो सकती है पॉसिबिलिटी हो सकती है एबिलिटी हो सकती है केपेबलिटी हो सकती सर्टनिटी हो सकती अब्लिगेशन हो सकती हैं ज़्यादातर ही अपने फॉर्म्स को चेंज नहीं करती हैं लाइक like अगर शुड है तो वो शुड ही रहेगा इन लीविंग एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस सिर्फ कुछ ही ऐसे केसेज होते हैं जहाँ पर ही अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं जब टेंस में चेंजेस होते हैं तो ही अपने फॉर्म को चेंज करते हैं लाइक शैल शुड में चेंज हो जाता है कैन कुड में चेंज हो जाता है अदरवाइज़ इनका कोई फॉर्म चेंज नहीं होता है फॉर्म चेंज कैसे नहीं होता है जैसे कि हमारे वर्ब फॉर्म्स होते हैं ना कि हमने फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में या प्रेजेंट से पास्ट में या सिंगुलर से प्लूरल में हम अपने वर्ब को चेंजेस कर देते हैं उस तरह से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं ठीक है तो हम लोग थोड़े से देख लेते हैं ये हमारे कौन कौन से हो सकते हैं ये होते हैं हमारे विल वुड शैल शुड कैन could मे माइट हैव हैड डेयर ऑट टू नीड मस्ट नीड not एंड डेयर नॉट तो dare के लिए नेगेटिव हो जाता है हम पे डेयर not और नीड के लिए हमारे पास नेगेटिव हो जाता है नीड not तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कैन और कुड से तो कैन के बारे में अगर हम लोग देखें तो कैन का यूज़ होता है एबिलिटी के लिए परमिशन के लिए केपेबिलिटी के लिए केपेबिलिटी समटाइम्स वी यूज़ टू कॉल इट कैपेसिटी एबिलिटी एबिलिटी डिस्क्राइब करती है हम क्या कर सकते हैं लाइक आई कैन सॉल्व द सम्स सो दिस इज़ माई एबिलिटी परमिशन के लिए ये हमारा फेवरेट होता है हम सभी का होता है कैन आई बोरो योर पेन सो दैट्स अ परमिशन केपेबिलिटी केपेबिलिटी यानी एबिलिटी तो है लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा क्या है दैट इज सेट टू बी केपेबिलिटी लाइक इफ आई कैन ड्राइव बट आई कैन ड्राइव फास्ट दैट इज माई केपेबिलिटी कुड क्या होते हैं कुड आर यूज फॉर पास्ट एक्सप्रेशन इन एबिलिटी इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी तो पास्ट एक्सप्रेशन के लिए कुड का यूज़ होता है कैसे आई कुड सॉल्व द सम्स लाइक पहले हमने पढ़ा था आई कैन सोल्व द सम्स तो यहाँ पर हो गए हमारे आई कुड सोल्व द सम्स इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट वहाँ तो था रिक्वेस्ट दैट कैन आई बोरो योर पेन लेकिन जब हमें अपनी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा पोलाइटली करनी है तो हम कहते हैं कुड यू लैंड मी योर पेन प्लीज़ इसके अलावा एज पास टेंस इन इनडायरेक्ट टेंस इनडायरेक्ट स्पीचेज में भी आपने देखा होगा कि कैन का चेंजेस कुड में हो जाता है कैसे होता है ये देखिए टोटो सेड आई कैन हेल्प यू ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है तो जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्या हो जाता है टोटो सेड दैट ही कुड हेल्प मी ठीक है तो ये हो गए हमारे कैन एंड कुड तो अब हम बात करते हैं मे मे का यूज़ होता है फॉर्मल परमिशंस के लिए फॉर्मल आप जानते हैं फॉर्मल इन फॉर्मल लेटर्स आपने पढ़े सो यू नो वॉट इज़ फॉर्मल फॉर्मल इज समथिंग रिलेटेड टू ऑफिशियल तो मे आई सर ये भी आप सभी का फेवरेट होता है जनरली मे आई गो टू देर मे आई मूव दैट साइड मे आई सेट ऑन दैट बेंच सो ऑलवेज आस्किंग फॉर द परमिशन एंड दैट टू एंड फॉर्मल कंडीशन दैट इज द वे हाउ वी यूज मे टू एक्सप्रेस विश विशेज एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं मे गॉड ब्लेस यू हियर इज एन एग्जाम्पल और जो तीसरा यूज है टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या चांसेस संभावनाएं कुछ होने के अगर चांसेस होते हैं तो हम लोग मे का यूज करते हैं देयर मे बी सम रेन इन द इवनिंग कुछ बारिश हो सकती है थोड़ी बारिश हो सकती है चांसेस हैं तो हमने मे का यूज किया नेक्स्ट वी हैव शैल वुड एंड शुड तो विल का यूज़ होता है हमारा ये हम सब जानते हैं शैल का यूज़ जैसा कि फर्स्ट पर्सन के साथ होता है तो विल का यूज़ हमारे सभी अदर पर्सन के साथ होता है तो विल का यूज़ हम लोग और कैसे कर सकते हैं इट इज़ यूज़ टू एक्सप्रेस अ डिसीजन और चॉइस जब हम कोई फॉर्म डिसीजन ले लेते ले हैं तो भी हम विल का यूज़ करते हैं कैसे आई विल डू द कुकिंग टूडे आज मैं खाना बनाऊँगा सो दिस इज़ माई डिसीजन यूज़ टू इंडिकेट अ हैबिट कोई हैबिट है कोई आदत है कोई काम जो रेगुलरली होता है तो उसके लिए भी हम और हम श्योर sure होते हैं कि ये काम आज भी होगा एज़ यूजल तो हम विल का यूज़ करते हैं लाइक ही विल गो स्विमिंग एज यूजल इसके अलावा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू सजेस्ट एन इन्विटेशन इंट्रोगेटिव यानी आपके क्वेश्चन में लेकिन ये सजेस्टिव इन्विटेशन है एग्जाम्पल देखिए विल यू गो ऑन हॉलीडे विद अस क्या हमारे साथ हॉलीडे पे चलोगे तो यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया है शाल का यूज़ कैसे होता है देखिए यूज विद फर्स्ट पर्सन इन फ्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ शाल का यूज़ होता है ये हम सब जानते हैं एग्जाम्पल है आई शाल गो टू द मार्केट इसके अलावा सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ ये कमांड्स के लिए भी यूज़ होता है लाइक यू शैल वेयर जैकेट तुम्हें जैकेट पहननी चाहिए यू शैल सर्टनली बी अवॉर्डेड ये हो गया आपका प्रॉमिसिंग कंडीशन में यानी अगर प्रॉमिस कर रहे हैं आप किसी सिचुएशन को तो आप शैल का यूज़ करते हैं यू शैल सर्टनली बी अवॉर्डेड यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस विद द फर्स्ट पर्सन टू इंडिकेट एन ऑफर और सजेशन इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फ़र्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ होता है जब कोई ऑफर या सजेशन दिया जाता है जैसे कि शैल आई कैरी दीज बुक्स फॉर यू क्या मैं तुम्हारे लिए ये बुक्स ले चलूँ तो हमने आई के साथ शैल का यूज़ किया है ये इंटरोगेटिव है लेकिन ये एक तरीके का ऑफ़र है ठीक है अच्छा और शुद और वुड का यूज़ कैसे होता है जैसा कि अभी मैंने बताया था शैल और विल के लिए पास्ट में हम लोग शुड और वुड का यूज़ करते हैं इसके अलावा टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन ड्यूटी यानी यू शुड ओबे योर एल्डर्स ये काम तुम्हें करना चाहिए ये तुम्हारी ड्यूटी है तो हम यूज़ करते हैं शुड का नाउ कम सेम मस्ट एंड आर्ट तो मस्ट का यूज़ होता है आपका नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन्स के लिए नेसेसिटी यानी जो काम करना ही करना चाहिए तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं आर्ट का यूज़ भी करेंगे हम लोग बताएंगे ऑर्ट का यूज़ किस तरह से होता है बट उससे पहले समझिए ऑब्लिगेशन क्या होते हैं ऑब्लीगेशन मतलब होता है जब कोई काम हमें करना ही करना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पर हमारी चॉइस कभी कभी चल जाती है तो हम ऑट लगा लेते हैं मस्ट में भाई ये नीडेड होता है दैट इज द नीड दैट इज़ द डिमांड ठीक है लाइक यू मस्ट स्टडी हार्ड ये ज़रूरत है नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे सो यू मस्ट स्टडी हार्ड अच्छा ऑब्लिगेशन के लिए देखिए यू मस्ट अबाइड द रूल्स और लॉज ये ऑब्लिगेशन है दैट इज़ वेरी कंपलसरी आपको रूल्स या लॉज को ओबे करने ही करने चाहिए यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स ये भी आपकी ऑब्लिगेशन है ये ज़रूरत नहीं है कि रिस्पेक्ट करो नहीं तो ये हो जाएगा ज़रूरत नहीं है जब ज़रूरत है तो नेसेसिटी समझेंगे लेकिन जब कोई काम हमें विलिंगली करना ही करना चाहिए तो वो होती है हमारी obligation। obligation को आप from हार्ट भी समझ सकते हो लाइक like, obligation का जो uh, करने का तरीका होता है वो मजबूरी में नहीं कर सकते ये काम हमें मन से या दिल से करना चाहिए अच्छा इसके अलावा इसका यूज़ होता है फिक्स या फॉर्म डिटर्मिनेशन के लिए या जब हम कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहें तो लाइक आई मस्ट डू वट आई डिजायर जो मुझे पाने की इच्छा है वो मुझे करना ही करना चाहिए इन दैट केस ऑल्सो वी यूज मस्ट ऑट का यूज़ कैसे होता है आर्ट का यूज़ हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर डिज़ायरेबिलिटी यू ऑट टू लव योर नेबर्स तुम्हें अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए लेकिन यहाँ पे डिज़ायरेबिलिटी वाली बात आ जाएगी इसलिए क्योंकि भाई ये डिपेंड करता है कि क्या वो डिज़र्विंग हैं जो का हमें करना तो चाहिए लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ हमेशा करते ही रहेंगे सामने वाले को भी तो देखना है कि क्या वो उस काबिल है अगर है तो ही तो करेंगे है ना तो ये यह, यहाँ पे बात आ जाती है हमारे डिज़ायरेबिलिटी की एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग प्रॉबीबिलिटी ये स्ट्रॉन्ग प्रॉबिलिटी भी एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबिलिटी का मतलब होता है जब कि, किसी चीज़ की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो कहलाती हैं स्ट्रॉन्ग प्रोबिलिटी लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल नीना आट टू विन नीना के जीतने के चांसेज बहुत 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 ज़्यादा हैं तो हमने क्या लिखा ऑर्ट टू एक और ख़ास बात ऑर्ट टू हमेशा ऑट हमारा हमेशा टू के साथ लगता है ऑट का यूज़ हम प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में करते हैं पास्ट में इसका यूज़ नहीं होता है तो इस वीडियो के लिए इतना ही टू कैरी ऑन डोंट फर्गेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो ओके स्टूडेंट्स बाय टेक केयर